अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खुश हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्लॉग को लाइक लाजमी कर देना। तो आज आपका मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, जिनके टाइम आपको मैंने अपने बर्ड्स की अपडेट देनी थी। तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, आपके भाई को सपोर्ट की जरूरत है। तो अभी लवबर्ड्स के सेटअप में मैं आपको लवबर्ड्स की अपडेट देनी थी, इन कुछ कॉकटेल्स की भी अपडेट रहती थी और मैंने आपको दी भी नहीं, और माशाल्लाह अपडेट से अपडेट आ रही है। तो इसके बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ, अलहमदुलिल्लाह बड़े हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ ये मैं इनके बच्चे अलग कर दूँ नहीं कर दूँ। तो एक तो ये बच्चे है और एक ये बच्चे, एक रेड आइज है एक ब्लैक आइज है। तो माशाल्लाह इनका साइज़ भी देख लो, ये भी दोनों माशाल्लाह खुद दाना वाना खाने लगे हैं। आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताओ इनको अलग करो नहीं करें, ठीक है। तो आप मेरे अगर बैठा हो तो मैं तो अभी तो दूसरे बच्चे मैंने पिछले लोग मैंने दिखाए हैं, ठीक है। उसके पिछले लोग मैंने अभी 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 मैंने सबको सॉफ्ट फूड दिया, देखो सारे माशाल्लाह खा रहे हैं, और अभी मैं अंदर आया तो ये भी उड़ गए। तो माशाल्लाह सारे अपने अपना सॉफ्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं वैसे, और इनको भी दिया क्योंकि इनके मैं देता हूँ उनका सॉफ्ट फूड। या अभी भी भिजवाया मैंने, इसके अंदर है चना और गंदम, तो वो इनको देते क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको हजम नहीं होती। तो सब मैं फिर आपको अपडेट देते हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने कुछ महीनों पे दो जोड़े दो तीन जोड़े दो जोड़े बनाए थे, एक तो डेगिनो का बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह ये है, और दो जोड़े नीचे बनाए थे। इसका आपको याद होगा मेल एक्सपायर हो गया था, आप लोगों को याद होगा, तो वो मेल मैंने यहाँ से लिया था जहाँ पर एक मेल ये सिंगल है और दो ये है पेस्टल ब्लू, ठीक है। तो ये है, और आप लोग कुछ खाली खाली केजेस भी देख रहे होंगे, तो यार ये खाली केजेस की वजह आपको मैं बाहर चल के बताता हूँ क्या होता है। तो खाली केजेस की जो वजह ये है, यहाँ पर आपके भाई ने रूबीनों के तीन से चार पेयर बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, चार बनाए थे, दो फीमेल थी तीन, बस हम लोग एक पेयर तो रखा हुआ है, और जो तीन छः पीसेस थे ना वो चले गए। तो वो भी छः पीस क्या गए आपके भाई ने, और यार उनको सेल कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था जोड़े है नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं जा रहा था। तो आपके मैंने वो छः के छः दाने सेल कर दिए। तो मैंने वाला आपको ये भी दिखा देते हैं, जो केजेस खाली हो गए हैं तो इंशाल्लाह वापसी अल्लाह बरकत देगा, तो वापसी केजेस में आ जाएंगे। एक ही पेयर रखा है इंशाल्लाह, इस पर है मुझे कि ये पूरा पेयर है, और इंशाल्लाह इसके जल्दी अंडे आएगा। तो अभी मैं आपको अपडेट देता चलूँ, आपके भाई ने दो पेयर बनाए थे, एक ये रहा एक और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस पेयर को भी मैंने बॉक्स लगा दिया जो न्यू लाए रहे, अभी आना जाना शुरू नहीं किया लेकिन आना जाना शुरू कर देगा। इस पेयर ने हमारे अंडे दे दिए, मुझे इतना खुशी हुआ मेरे हाथ में, मतलब घर के पेयर और ये छोटे लग रहे थे, उन्होंने अंडे तो दिए हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, इंशाल्लाह वो डाउट आपको मैं लोग में शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको इसके अंडे दिखाता हूँ, माशाल्लाह लाजी हूँ, अल्लाह ताला बरकत दे। और आप लोग सोच रहे होगे इसके बॉक्स पे मैंने ये धागे बांधे हुए, तो ये इसलिए बांधे हुए, ये बॉक्स तो टेढ़ा करता था ये पेयर ना, तो मेरे को डर था ये बॉक्स में गिरा दें, और बॉक्स गिरेगा तो ये निकल सकते हैं बाहर। एक सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, ये देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख लो, तीन अंडे हैं इस पेयर के, सामने पेयर है वो देख लो, ये रहा ये पेयर है सामने, पार ब्लू पेस्टल होगा, ठीक है। तो ये हमारा समझ लो फर्स्ट फर्स्ट इसकी ब्रीड है हमारे घर के अंदर ही। तो इंशाल्लाह और जो इसके अपडेट में आपको और कोई डाउट है वो आपको मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ थोड़ी देर बाद। और मुर्गी नीचे फिर थी और ऊपर आई मुर्गी की आपको अपडेट देनी है, और माशाल्लाह लाजमी बोलना कबीला है। तो शाम का टाइम है, आपका भाई ऊपर आ गया, सफाई वफाई हुई भी है, और सारों को दाना पानी भी हो गया, चूजा वूजा भी दाना पानी हो गया। तो आपके भाई ने एक बात और सोची है यार, वो मैं आपको शेयर करूँ नहीं करूँ अभी से, पहले मैं सोच रहा हूँ इसे इंशाल्लाह कबूतर के लिए कुछ सोचा है मैंने, क्योंकि कबूतर का अंडे को मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इन्होंने अंडे देने ही देने, और उस कबूतर के लिए मैंने कुछ सोचा है, ये जो अकेला मेल है इसके लिए भी कुछ सोचा है, एक तो एक जोड़ा है, तो ये पता नहीं अंडे क्यों नहीं दे रहा है, इसकी समझ नहीं आती है मुझे। चूज़े को भी दाना पानी हो गया, चूज़ा आजकल यहीं बंद रहता है, क्योंकि पता है क्यों, आजकल ये आता है नीचे सीना सीढ़ी से नीचे उतरता है, और सामने मैं रखता हूँ आपको पता सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट फूड खा लेता है, तो फिर मैंने खुलता है बाजरा वजह खाता है और मीठे मीठे करता है, इसलिए इसको जब होते हैं ऊपर जब खोलते हैं इसको बंद रखते हैं। और मुर्गियाँ आपको देते हैं अपडेट, मुर्गियाँ माशाल्लाह अच्छा, आपके मैंने पिछले लोग मेरे को दो दिखाई थी, तो ये तीसरी मुर्गी भी मैं ले आया था, और उसको भी मैंने छोड़ दी क्योंकि नीचे अकेली होकर चीखे मार रही थी, तो इसलिए मैं इसको भी ऊपर ही ले आया। और अभी तक कोई देखिए अपडेट आपके सामने ही है, आइस कोई अभी तक मेरा नज़र नहीं आ रहा अंडे अंडे के साथ, तो इंशाल्लाह देखते हैं, मुझे लगता है एक मंथ लगेगा तैयार होने में, एक महीने बाद क्या पता तैयार हो, बस मुर्गियों के साथ आगे ना इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगी। तो जैसे ये तैयार होगी इंशाल्लाह फिर इंडिया अंडे भी शुरू हो जाएंगे, और अभी सर्दियाँ भी शुरू होगी, आज सुबह का मौसम मैं आपको दिखाता ना मीठा था, मैंने सोचा व्लॉग रिकॉर्ड करूँ लेकिन बस रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, इंशाल्लाह अगले दिन सुबह मैं आपको मौसम दिखाऊंगा। हमारे शहर में आज ऐसा धूप, इतनी फोग थी, इतनी फोग नज़र कुछ नहीं आ रहा था, मौसम ठंडा नहीं हुआ लेकिन फोग शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह बेहतर जानता है। तो इनको भी दाना पानी हो गया था, इनको भी बंद करा हुआ है, मुर्गा भाई अपने साथ इनको बाजरा खाने ही देता है बड़ा तेज। बस यार मेरे को ये देख रहे हो दो वाइट ये पेयर, बस ये मुर्गी भी कम नहीं है माशाल्लाह, आप लोग देख लो ये पेयर बस मेरे दिल के करीब है,
अल्लाह इंशाल्लाह इनको नज़र बस से बचाए, अल्लाह बरकत दे। यार मुर्गा बहुत झाड़ में है, अभी तक इसकी कुरेद पूरी हो जाए इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो यार इसी शाम के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर सकते हैं। आगे भाई ने आपको दो दो अपडेट दे दिए और वो न्यू पेयर था जिसने दे दिए और कुछ नेस्टिंग ऊपर पड़ी हुई ऐसे ऐसे ख़राब हो गई है और ये कबूतरी उसकी नेस्टिंग बना रही है। आपको मैं दिखाता हूँ इसने नेस्ट बनाया हुआ अपना, इसी नेस्टिंग को उठा उठा के अगर वो घर वाला दिखाता हूँ मैं एक बार, सब्र करो। ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये यहाँ से इसने नेस्टिंग उठा उठा के इसका नेस्ट बनाया है यहाँ से जमा करके। पता नहीं किस अंडे दे, अंडे इसने देने नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, जरूर लाइक, अच्छा लगा होगा अच्छा वो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखें, कोई बात माफ़ करना, अच्छी लगी तो प्यार दिखाना, फिर अल्लाह हाफिज़।